डोंकी में फंस गया, लाश आ गई, उस परिवार के साथ क्या बनती होगी? ये बहुत बड़ा चिंता का विषय, और आपने जो ये विषय उठाया बहुत गंभीर विषय है, और आज मैं कहूंगा कि हर युवा साथी को जागना होगा और इस विषय को गहनता से इसका अध्ययन करना होगा। अब आपने सवाल उठाया कि डोंकी के माध्यम से 50-55 लाख रुपए लगाकर जमीन बेचकर दुकान बेचकर जाता है, और जिसके पास जमीन नहीं हो क्या बेचेगा? वो जमीन बेचता है अपना। तो युवाओं को रोजगार दे दिया तो झंडे कौन उठाएगा, इनके पीछे चप्पल कौन तुड़वाएगा? यानी अपनी राजनीति को बचाए रखने के लिए बेरोजगारी को ये जन्म दे रहे हैं। इसलिए हमारा युवा अभी कुछ जाग चुका है और डोंकी के माध्यम से विदेशों में जा रहा, जो बहुत ही गलत तरीका, नहीं जाना चाहिए। हरियाणा डेली पोस्ट देखने वाले सभी यूट्यूबर फेसबुक फैमिली को गुरुग्रोवर नरवाणा की राम राम। भाई ऐसा करता हूँ, आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, बड़े प्यार से रक्षाबंधन का जो त्यौहार आप मना रहे होंगे, और आपस में भाईचारा रखिए और चेहरे पर मुस्कान रखिए। तो आज आप एक ऐसा सेंसिटिव मुद्दा पर बात करने आए हैं कि अपने नौजवान साथियों में बाहर की तरफ रुख कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, के रीज़न है, और इस सारा मुद्दा बात करने के लिए हमारे साथ जगरूप सहरावत जी है, जो पत्रकार मंच के है, जो प्रधान है, तो बात कराएंगे। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब। आपने देखने मिल रहा होगा जी, आए दिन है जो बालक है या कोचिंग सेंटर इतने खुल गए हैं बाहर भेजने के लिए, और वो बड़ा जामुन की लाश है जो कई कई दिन में पैकों का है, ऐसे क्यों हो रहा है, क्यों रुक कर रहे हैं? देखिए, जब हमारे देश के अंदर सरकारें बदलती हैं तो सरकारें कुछ ना कुछ बड़ा वादा करके बदलती हैं, क्योंकि जब आप लोग अपने नुमाइंदे को चुनते हो तो जो बहुत बड़ा वादा करेगा उसको आप चुनते हो। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही कि सबसे पहले मैं 2 करोड़ रोजगार पैदा करूँगा, पहले 1 करोड़ क्या, फिर 2 करोड़ क्या, फिर वो 3 करोड़ का आंकड़ा पहुँच गया, रोजगार पैदा करूँगा, और डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया लेकर आए। और डिजिटल इंडिया ऐसा लेकर आए, कल मैं आपके नरवाना से बिलोंग करते हो, जींद के SDM के साथ भी फ्रॉड हो गया, यानी जो SDM लेवल के IAS अधिकारी हैं, वो SDM लगा रखे हैं, उनके साथ भी डिजिटल के माध्यम से फ्रॉड हो गया। यानी हमारे युवा जो साथी थे, जिनको रोज़गार चाहिए था, जो सड़कों के ऊपर रोज़गार के लिए बड़े बड़े आंदोलन करते थे, आपने 4-5 साल में देखा होगा युवाओं ने कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया, रोज़गार की मांग नहीं की, क्यों? क्योंकि वो फेसबुक और यूट्यूब में घुसा दिए। यानी मीडिया, जो हमारा सोशल मीडिया है, इतने गंदे गंदी चीज़ें दिखाई जाती हैं सोशल मीडिया के ऊपर, आप पूरे परिवार के साथ मीडिया को खोल नहीं सकते, यानी फ़ोन को खोल नहीं सकते। यानी हमारा जो युवा होगा वो 24 घंटे फ़ोन में घुसा रहेगा, परिवार में 5 सदस्य हैं वो भी फ़ोन में रहेंगे, यानी वो रोज़गार भूल गया, वो केवल सोशल मीडिया के ऊपर जो वायल चीज़ें वो देखती हैं। पहले जब देखते होंगे आप, नेशनल चैनल होते थे, अब आप जैसे साथी ग्राउंड मीडिया से लोगों की आवाज़ को उठाने का काम करते हैं। अभी आप ऊंचाणा बैठे हैं, ग्रामीण क्षेत्र है, अभी आपके पास किसी गांव से फ़ोन आ जाए, गांव की कोई समस्या हो, आप तुरंत जाएंगे। क्या नेशनल मीडिया का कोई पत्रकार साथी वहां जाता है? नहीं जाता। हम इस लड़ाई को नेशनल लेवल पर लड़ाई लड़ रहे हैं, 2018 से आज तक हम हमारे मंच के माध्यम से लड़ाई लड़ रहे हैं, और पता नहीं FIR भी कई बार दर्ज हो चुकी है कि जो नेशनल मीडिया के ऊपर, जो TV के ऊपर दिखाया जाता है, हमारे जो लोग होते हैं उसको सच मानते हैं। ये जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है पूरी, हमारा जो एंकर होता है स्क्रिप्ट को पढ़ने का काम करता है। अगर आपको ध्यान होगा, नरेंद्र मोदी भी स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, बड़े बड़े लच्छेदार भाषण ऐसे याद नहीं रहते, टेलीपोर्टर चलता है उसके ऊपर, वो रुक गया था एक बार, वो वहीं पे चुप हो गए थे। यानी अगर आपको कोई साथी लिख के कुछ दे दे, वही आप दुनिया को, आपके दर्शकों को दिखा दो, तो ये सारी चीज़ें वही हो रही हैं। यानी हमारे युवाओं का जो दिमाग था वो डाइवर्ट कर दिया, अब एकदम से कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से आप जैसे साथियों ने जब युवाओं को जगाया तो उनको देखा, अरे क्या हो गया, हमने BA कर ली, MA कर ली, हम फिर भी बेरोजगार हैं। यानी हमारी जो शिक्षा नीति है वो बेरोजगारी पैदा करती है, रोजगार पैदा नहीं करती। तो उसको ख़त्म करने के लिए भी हम एक मुहिम चंडीगढ़ में शुरू कर चुके हैं। अब आपने सवाल उठाया कि डोंकी के माध्यम से 50-55 लाख रुपये लगाकर जमीन बेचकर दुकान बेचकर जाता है, और जिसके पास ज़मीन नहीं हो क्या बेचेगा? वो जमीन बेचता है अपना। तो अगर रोज़गार होते हमारे देश के अंदर तो हमारा युवा पढ़ने के लिए वहाँ क्यों जाता? एक समय था जब विदेशों से हमारे यहाँ पढ़ने आते थे, नालंदा यूनिवर्सिटी आज भी हमारी फेमस है, विदेशों से लोग पढ़ने आते थे, हमारा रुपया डॉलर से मजबूत होता था। कि राजनीति सियासत ने ऐसी सियासत खेली कि हमारे युवाओं की रोज़गार, रोजी रोटी को खा गए लोग। इन्होंने ऐसा सिस्टम बना रखा कि अगर युवाओं को रोज़गार दे दिया तो झंडे कौन उठाएगा, इनके पीछे
चप्पल कौन तुड़वाएगा, यानी अपनी राजनीति को बचाए रखने के लिए बेरोजगारी को ये जन्म दे रहे हैं। इसलिए हमारा युवा अभी कुछ जाग चुका है और डोंकी के माध्यम से विदेशों में जा रहा, जो बहुत ही गलत तरीका नहीं जाना चाहिए। बहुत ऐसे अच्छे तरीके भी हैं जिनके माध्यम से रोजगार के लिए या पढ़ने के लिए जा सकता है। उसके लिए बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूट भी हैं। फ्रॉडबाजी बहुत ज़्यादा हो रही है। पहले पंजाब में बहुत ज़्यादा फ्रॉड होते थे, लोग ज़मीन बेच के चले गए। अब मान लो आपके पास 1.5 एकड़ ज़मीन है, वो आपने बेच दी, आपके बापू ने बेच दी कि आप मेरा बेटा जाके कमा के दे देगा, डोंकी में फंस गया, लाश आ गई, उस परिवार के साथ क्या बनती होगी? ये बहुत बड़ा चिंता का विषय, और आपने जो ये विषय उठाया बहुत गंभीर विषय है, और आज मैं कहूँगा कि हर युवा साथी को जागना होगा और इस विषय को गहनता से इसका अध्ययन करना होगा। सर, 2 करोड़ रोजगार देने की बात हुई थी, लेकिन रोजगार नहीं है तो इसलिए बच्चे हैं बाहर का रुख कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सरकार की विफलता है? सरकार देखिए आंकड़ों में उलझा के रखती है। जब विधानसभा या जो अब हमारी संसद चलती है तो आंकड़े पेश किए जाते हैं, और आंकड़े कौन से पेश किए जाते हैं कि आज के टाइम आपने पता होगा हरियाणा में एक कौशल रोजगार निगम आ गया। पहले ठेकेदार के थ्रू बच्चे लगते थे, नज़दीक काम मिल जाता था, लेकिन कौशल रोजगार भी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इसकी RTI लगा लो, पता चल जाएगा कंपनी किसकी है। ये एक प्रॉपर ड्रामा है कि जो पहले ठेकेदार होते थे अपने बंदे लगा लेते थे, मान लो उचाणा तहसील का ठेका छूट गया तो आप ठेकेदार हो, आपने अपने बंदे आसपास के लगा लिए, MLA की चिट आएगी तो MLA के आप बंदे नहीं रखोगे, आप अपने हिसाब से बंदे रखोगे। अब जितने भी कौशल के अंदर बच्चे लगते हैं पैसे दे के लगते हैं, रेट है 3 से 4 लाख रुपए। लाइव कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ना, प्रूफ बता रहा हूँ ना। अभी पीछे पंचकूला के अंदर एक IAS अधिकारी दहिया साहब, उनको पकड़ा गया, जेल के अंदर हैं। क्यों पकड़े गए? कौशल रोजगार निगम के माध्यम से जितने बच्चे लगाए सबसे पैसे ले रखे हैं, यानी आपने आज अप्लाई किया अगले दिन आप नौकरी के ऊपर हो, जिन्होंने पिछले 1.5 साल से अप्लाई कर रखा था वो सारे पेंडिंग में हैं। यानी बहुत बड़ा प्रोपगंडा धोखा युवाओं के साथ चल रहा है। पीछे आपने देखा होगा हमारे जो चयन आयोग होता है हमारा, वहाँ पर 1.5 करोड़ रुपये कैश दराज के अंदर मिले थे अधिकारी के ऊपर, कैसे मिल गए? बिना खर्ची पर्ची के काम नहीं होता। जो पहले सरकारों के अंदर बदली के रेट होते थे 5 से 10 हज़ार, अब 1.5 से 3 लाख रुपए बदली का रेट है। और ऐसे ऐसे लोग लग गए सरकार में जिन्होंने पेपर तक नहीं दे रखा था, ऐसे ऐसे लोग लग गए। और कितनी बार पेपर आउट हुए हैं, अभी आपको एक जानकारी दे दूं, इसरो हो रही है, चंद्रमा पे हमारे साइंटिस्ट गए, अच्छी बात है, लेकिन इसरो का भी पेपर लीक हो गया। पता आपको, केरला की पुलिस ने उचाणा से 2 बंदों को उठाया है, तीन बंदों को उठा लिया है। यानी इस सरकार के अंदर कितने पेपर लीक और कितनी बार रद्द हुए हैं। CTET का मामला आप देख लो, डी ग्रुप का मामला आप देख लो, अभी तक लोग जब आप पंचकूला जाएंगे, मैं पंचकूला ही रहता हूँ, सेक्टर 5 में एक धरना स्थल बना दिया स्पेशल, जैसे दिल्ली के अंदर जंतर मंतर है, ऐसे ही पंचकूला के अंदर एक धरना स्थल बना दिया। मैं जिसने धरना देना उड़ा हो, मैं तो आज़ाद भाई ने कहूँ भाई एक दिन आपने उड़े भी धरना देना चाहिए। तो वहाँ पर कौन लोग बैठे हैं जाके देखो, रो रहे हैं लोग, ना उनके लिए खाने की जगह है, ना नहाने की जगह है, महिलाएं बैठती हैं, टॉयलेट भी, अभी हमने पीछे मुद्दा उठाया था, मुख्यमंत्री जब पंचकूला प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, टेम्परेरी वहाँ पर वाशरूम बनाए गए हैं। जब हमारी आशा वर्कर वहाँ पर जाती हैं धरने के लिए बैठती हैं, तो आप बताओ टॉयलेट की वहाँ जगह नहीं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा नित्य हो गया, और आप बार बार रोजगार की बात कर रहे हैं, रोजगार नहीं है। गूगल पर जाइए और गूगल के ऊपर एक बात लिखिए, जो भी हम कोई चीज़ अगर हमने कहीं जाना है तो भी गूगल पर सर्च करेंगे, किसी बात की जानकारी लेनी तो गूगल पर सर्च करेंगे। गूगल पर डालो इस देश का सबसे बेवकूफ़ प्रधानमंत्री कौन है, ये मैं नहीं कह रहा, ये गूगल कह रहा है, अपने आप पता चल जाएगा। सर, मेनस्ट्रीम मीडिया है ये कह रही है, फिर रोजगार है लेकिन जो नौजवान साथी है वो निकम्मे है। नहीं, इसमें देखिए थोड़ी सी बात ये कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसमें थोड़ा बदलाव करने की जरूरत है। लर्निंग विद अर्निंग के लिए बच्चे बाहर जाते हैं, यानी पढ़ाई के साथ काम करते हैं, 8-9 घंटे पढ़ते हैं, फिर 4-5 घंटे काम करने का मौका मिलता है। ये चीज़ें हम चंडीगढ़ में ही दे रहे हैं, लर्निंग विद अर्निंग, 2 महीने बाद बच्चे को 10-12 हज़ार रुपये सैलरी शुरू हो जाती है, यानी उसका रहने खाने का और उसका कॉलेज की फीस निकल जाती है। तो बच्चों को भी थोड़ा जागरूक होने की ज़रूरत है कि हम ऐसी पढ़ाई करें जैसे पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं, मेडिकल की लाइनें कभी बंद नहीं हो सकती। मीडिया के साथ ही अगर BJMC करनी है या कोई भी डिप्लोमा डिग्री करनी, वो कर सकते हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि सोशल मीडिया और वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे काम होते हैं। मेरा एक पत्रकार साथी है, मैं नाम तो अभी वो नहीं करूँगा, 5 वेबसाइट चलाता है, वो बंदा 10 लाख रुपये महीना कमा रहा है, 10 लाख रुपए महीना वाइट में कमा रहा है। तो ऐसे हम सब साथी भी कर सकते हैं ना, लेकिन उसके लिए टेक्निकल जानकारी होनी चाहिए, डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए, हमें काम करना आना चाहिए। देखिए कुछ ना कुछ करने के लिए काम सीखना पड़ता है।
बीए कर ली, एमए कर ली, फिर भी वो बेरोजगार है, दसवीं कर ली तो भी बेरोजगार है। कुछ ना कुछ टेक्निकल चीज़ें तो सीखनी पड़ेगी, हमें खुद ही करना पड़ेगा। राजनीतिक व्यक्ति कभी आपके घर में आके आपको रोजगार नहीं देगा। लेकिन सरकार भी तो कुछ संस्थाएं इंप्लीमेंट करवाती है, सरकार का भी तो काम होता है भाई। अगर बंदा ने पढ़ लिया है, उसको टेक्निकल जो जानकारी देनी, कुछ ऐसे है जो शेल्टर होम बनाने चाहिए, ऐसा कोई है जो ऑफिस बनाना चाहिए। स्किल इंडिया के माध्यम से बहुत सारे कंप्यूटर सेंटर खोले गए, वहाँ पर बच्चों को पढ़ाने के लिए 8 से 10 हज़ार रुपये उस सेंटर वाले को मिलते थे। ये बहुत बड़ा देश का सबसे बड़ा घोटाला है, युवाओं के नाम पर, बेरोजगार युवाओं के नाम पर बहुत बड़ा देश का घोटाला है। अगर इसकी आरटीआई लगे, इसकी जानकारी जनता के सामने आए, तो बहुत बड़े घोटाले सामने आएंगे। इस सरकार के अंदर सबसे पहले सफाई अभियान चलाया गया, पूरे देश का पैसा सफाई कर दिया, नोटबंदी कर दी। नोटबंदी से कोई भी साथी एक फ़ायदा बता दे, जो कागज़ आए नोटबंदी के, वो कागज़ बिल्कुल उसकी उम्र बहुत कम थी, 2000 का नोट फिर बंद करना पड़ गया। क्यों किया, इसके पीछे का कारण क्या है, लोग लाइन में लग के मर गए, इसके पीछे लोग जानना चाहते हैं। हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ी विडंबना है, खासकर हमारे युवा साथियों के, हम भूल बहुत जल्दी जाते हैं, मुद्दों को भूल जाते हैं। किसान आंदोलन के अंदर कितनी शहादतें हुई, कितने हमारे पत्रकार साथियों ने मेहनत करके उस आंदोलन को उठाया, सोशल मीडिया के साथियों ने आंदोलन को उठाया, ना कि मैन स्ट्रीम मीडिया ने। मैन स्ट्रीम मीडिया में क्या चलता था, खालिस्तान, पाकिस्तान, फंडिंग, काजू, बिदाम, ये सब चीज़ें दिखाई जाती थी, लेकिन उसके पीछे का ध्याय क्या है, उसके पीछे का मतलब बंदा निस्वार्थ भावना से किसानों को सहयोग कर रहा है, वो चीज़ें नहीं दिखाई गई। जब पहली बार पंजाब के किसान पंजाब से निकले हरियाणा के लिए, तो अम्बाड़ा बॉर्डर पर रोका गया था, हमारे एक साथी धनौरी बॉर्डर को कवर कर रहे थे, गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए, हमारे वहाँ पर भी नुकसान हुआ। लेकिन उन लोगों को जब हम देख रहे थे ट्रैलियों के अंदर एक एक साल का राशन, हमें भी मजाक लग रहा था, एक एक साल आंदोलन होते हैं क्या, हमने भी इतिहास में पहली बार ऐसा आंदोलन देखा। तो युवाओं को मैं कहता हूँ, जागना होगा और रोजगार प्राप्त करने के लिए आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि इस देश की आज़ादी के लिए भी भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, सारे बहुत सारे ऐसे हमारे युवा साथियों ने आंदोलन करना पड़ा था। कोई भी चीज़ अगर आपने पानी तो सड़क के ऊपर आना पड़ेगा और आंदोलन करना पड़ेगा, और अपनी मांगों को मनवाने के लिए, जायज़ मांगों को मनवाने के लिए आंदोलनरत रहना पड़ेगा, और सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही, सरकार को जगाना पड़ेगा कि आपने जो बात कही थी, मान लो आपने कोई मैनिफेस्टो जारी कर दिया, आप विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, परस के अंदर आते हैं, तो गांव के लोगों का एफिडेविट लेना चाहिए, भाई तू जो बात कर रहा है वो सच्ची है के। मान लो आप बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हो और जीतने के बाद बीजेपी में चले गए, यानी आम लोगों की भावनाओं के साथ आपने खिलवाड़ किया, आपके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। तो आए दिन देखने को मिल रहा है जो बीजेपी के खिलाफ है वो बीजेपी की गोदी में बैठे हुए, जमुना पार के जो सपने दिखाए थे, लेकिन आज वो उनकी बैसाखी बन के सरकार चला रहे हैं। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए जो आम आदमी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया उन्होंने। मानहानि का मुकदमा आम आदमियों को उनके खिलाफ करना चाहिए कि हमने व्यवस्था परिवर्तन और सत्ता परिवर्तन के लिए आपको विधायक बनाया और आप गलत जगह चले गए, यानी आपने हमारे अधिकार का गलत प्रयोग किया है। ऐसा भी एक कानून बनाना चाहिए सरकार को। मोदी जी कहते हैं निष्पक्ष बिना खर्ची पर्ची की बात करते हैं, तो ऐसा कानून बनाना चाहिए कि जीतने के बाद आप दल नहीं बदल सकते। सभी साथियों का यहाँ मैं आपको जवाब दें, जब बात चल रही है रोजगार की, बेरोजगारी की, तो मैं आपके माध्यम से जवाब देना चाहूँगा। जहाँ हम बैठे हैं तहसील परिसर एक सार्वजनिक एक संस्थान है, एक पब्लिक की प्रॉपर्टी है, और सरकार इसके लिए ऑपरेटर है, एक सरकार के जो कर्मचारी है इसको चलाते हैं, तो वहाँ पर एक बड़ा एक घपला हुआ है। जब इस बारे में सरकार के मंत्रियों से, डिप्टी सीएम से बात की, तो उनका एक बड़ा ही सीधा जवाब था कि मेरे संज्ञान में नहीं है, यानी कि वो एक सीधी सी बात कह के मेरे संज्ञान में उससे बसते नज़र आए हैं। तहसील परिसर के अंदर रोज़गार मेला लगा एसआईएस कंपनी के द्वारा, और बेरोजगार युवाओं से 10-10 हज़ार रुपये और 40-40 हज़ार रुपये इकट्ठे किए गए, उनको बहकाया गया, और बाद में जब इस बारे में बात की, तहसील परिसर में अगर कोई काम होता है तो उसके लिए जिम्मेवार कौन है, तो सरकार के अधिकारी और कर्मचारी और खुद सरकार के मंत्री डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी का जवाब था मेरे संज्ञान में नहीं है। तो कितना बड़ा करप्शन, कितना बड़ा खेल रहा होगा कि जब तहसील परिसर में ही रोजगार मेला लगाकर करोड़ों रुपए यहाँ से इकट्ठा करके वो कंपनी गई है, तो कितनी बड़ी मार प्राइवेट नौकरी के लिए, कितना बड़ा घोटाला और कितना बड़ा खेल सरकार की सहमति से। तो इस प्रकार से कितने खेल हरियाणा में खेले जा रहे हैं, तो उसकी जाँच के लिए कौन आगे आएगा, कौन उसकी जांच कराएगा, और कौन इन घोटालों के लिए, इन घपलों के लिए जिम्मेवार है, एक बड़ा सवाल। बेरोजगार युवाओं के साथ बड़ा खेल, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। आए दिन हम देखने को मिलता है, चाहे करनाल साइड में और अपना कैथल साइड में भी, मटोर में भी एक बड़ा आया था कि बच्चे हैं
30-30 लाख 40-40 लाख लगा के डोंकी लगा कर वहाँ पर जाते हैं, लेकिन वहाँ पे वीडियो भी वायरल होते, काम नहीं मिलते हैं, वो रोडों पे सो रहे हैं, और फिर कट्टों में जो पैक होकर पन्नों में उनकी लाश आती है। 2 करोड़ आए साल रोजगार देने का वादा करके है जो सत्ता में है, जो मोदी सरकार आई थी, लेकिन ये है जो जुमला बनकर रह गया। और ये तो भाई बड़े बेशर्मी के साथ कहते हैं कि भाई जैसे अमित शाह जी ने कहा था 15 लाख रुपए का, भाई वो जुमला है और जुमले की तरह उसको लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उस जुमले को लेकर है जो नौजवान साथी है पन्नों में पैक होकर आ रहे हैं, और ये बड़ी नाकामी है, ये बीजेपी सरकार की नाकामी है जो बड़े बड़े वादे करके सत्ता में आई थी लेकिन उन वादों पर खरा नहीं उतरी। इस मुद्दे पर मुद्दा सिर्फ मैंने ये लिया है कि बेरोजगारी के कारण है जो नौजवान साथी है, अब तो उसमें जो लड़कियां भी है बड़ी शामिल हैं जो बाहर जाने के लिए लाइन में लगी हुई है, और बड़े बड़े कोचिंग सेंटर इन चीज़ों के लेकर खुले हुए हैं, और एक बड़ा फ्रॉड चल रहा है। तो इस सारे मुद्दों को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा।